इंडेक्स जो है निफ्टी वो आउट परफॉर्म कर रहा है आज बैंकिंग इंडेक्स को. हम देख रहे हैं कि 17,777 के आसपास मंडरा रहा है इंडेक्स और काफी अच्छी तरह से बाइंग भी देखने को मिल रही है, पर क्योंकि बैंक निफ्टी आज इतना सपोर्ट नहीं कर रहा तो थोड़ा मोमेंटम हमें स्लो दिखने को मिल रहा है. पर ओवरऑल जो सेटअप है वो काफी पॉजिटिव है. आज जो नए सीरीज का शुरुआत हुआ है वो बाय ऑन डिक्लाइन के साथ ही शुरू हुआ है और ऊपर हम 18,000 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे. हमें नीचे जो लेवल्स है जो सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे वो इमीडिएटली, अगर इंट्राडे की बात करें तो वो 17,650 है, पर 17,500 एक इम्पोर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट है जिसको ध्यान रखते हुए हम ट्रेडिंग कर सकते हैं. दूसरी ओर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी वीकनेस देखने को मिल रही है. बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा इंटायर मार्केट में. हम देख रहे हैं कि आज हैवी वेट जो है स्टॉक्स वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्टेड है. तो कंपैरिजन में अगर हम कंपेयर करें तो निफ्टी में हम बाय ऑन डिक्लाइन कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में आज बैकफुट ले सकते हैं. और ऊपर से अगर हम इंटायर ग्लोबल अगर डेटा भी देखें, एफ आई एस लॉन्ग शॉर्ट रेशियो कल 60% तक चला गया था विच इज वेरी पॉजिटिव क्योंकि वो 20 के आसपास होवर कर रहा था. तो यहाँ पे एक सेंटिमेंट चेंज आ रहा है, पूरे इंडेक्स में बाइंग आ रही है एफ आई एस की तरफ से भी, तो एक काफी पॉजिटिव सेटअप जो है वो सस्टेन करने जा रहा है. इंडिया विक्स जो है वो काफी कूल डाउन हो चुका है हायर जोन से, 16 के आसपास है अभी. तो ओवरऑल जो सेटअप है वो काफी पॉजिटिव है आने वाले सीरीज के लिए और जो है कोई भी डिक्लाइंस हो उसमें हम खरीदारी कर सकते हैं. इंडेक्स पर क्या व्यू बन रहा है? हमने देखा कि जिस लगभग 100-125 पॉइंट्स के ऊपर ना गैप के साथ बाजार खुला था वो इरोड हुए, लेकिन अब फिर से आपको क्या दिख रही है बाइंग? क्योंकि फिर से देखिए हरे निशान में तो निफ्टी आ गया. इंडेक्स पर क्या करेंगे, स्ट्रेटजी क्या होगी? तो मेरे यहाँ पे इंडेक्स नेगेटिव नहीं है. प्राइमरी अगर डेटा देखे तो कल जो रोल ओवर हुए तो रोल ओवर अच्छे हुए हैं क्योंकि एफआईएस की जो पोजीशंस है वो अभी नवंबर सीरीज की शुरुआत उन्होंने लॉन्ग पोजीशन से की है. पिछले पूरे अक्टूबर सीरीज में एफआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशन देखे तो वो शॉर्ट साइड पे थे. उन्होंने शुरुआत ही शॉर्ट पोजीशन से की थी अक्टूबर सीरीज की, उसके बाद नए शॉर्ट्स ऐड किए, लास्ट में शॉर्ट कवरिंग भी हुई, लेकिन नेट नेट शॉर्ट पोजीशंस थ्रू आउट द सीरीज थी. लेकिन इस बार उन्होंने अगर उनके पोजीशंस देखे तो शॉर्ट्स उन्होंने रोल ओवर नहीं की है और टोटल जो भी आउटस्टैंडिंग पोजीशंस रोल ओवर की है उसमें 59% ऑफ द पोजीशंस लॉन्ग साइड पे. तो डेफिनेटली आई थिंक क्योंकि कैश मार्केट में भी अभी बड़े सेलिंग हम उनकी तरफ से नहीं देख रहे और अगर इंडेक्स फ्यूचर्स में भी अगर उनके बाइंग फिगर्स है यहाँ पे नेट नेट लॉन्ग पोजिशन है तो ये मार्केट को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा. मे बी थ्रू रिलायंस और सम अदर स्टॉक्स हमको मार्केट में सपोर्ट मिलते हुए दिखेगा, लेकिन डाउन साइड शायद काफी लिमिटेड रहेगा. जो भी करेक्शन होने वो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन रहेगा जहां पे आपसे आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए मार्केट रेंज बाउंड होगा और फिर वापस से आप मूव रिज्यूम करेगा. तो यहाँ पे जैसे भी ये इंट्राडे डिक्लाइंस आते हैं इनमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए. 17,600-17,700 ये एक अच्छा सपोर्ट रेंज बना हुआ है फिलहाल मार्केट के लिए, तो इंट्राडे डिप्स पे बाय करिए. यहाँ पे शॉर्ट जाने जैसे तो फिलहाल मार्केट्स पे नेगेटिव व्यू नहीं बन रहा है.